गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो गाइस, हो गई है सुबह और अभी बारिश हो रही है, बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है। मतलब कहीं घूमने का प्लान हो ही नहीं पा रहा, घर में रुके हुए हम, क्योंकि बारिश इतनी है कहीं घूमने जा नहीं सकते। ऋषिकेश का रास्ता इन लोगों ने बंद कर रखा है। तो गाइस, अभी हम वेट कर रहे हैं बारिश बंद होने का, उसके बाद देखते हैं कहाँ का प्लान बनता है हमारा। तो गाइस, बारिश तो बंद नहीं हुई थी लेकिन हम फिर भी निकल गए घूमने के लिए। तो गाइस, सबसे पहले हम पहुंच गए शौर्य स्थल वॉर मेमोरियल। मत भूलो सीमा पर वीरों ने है प्राण गवाए, कुछ याद उन्हें भी कर लो जो लौट के घर ना आए। तो गाइज, वैसे तो हम जा रहे थे सहस्त्रधारा, लेकिन हमें यहाँ पे ये दिख गया था तो हम यहीं पे रुक गए, तो हमने इसे देखने के लिए उतर गए। यहाँ पे ये लिखा था अज्ञात सैनिक की है प्रतिमा, उत्तराखंड के वीर योद्धाओं के निस्वार्थ बलिदान की भावना को श्रद्धांजलि। मतलब उत्तराखंड के जितने भी सैनिकों ने बलिदान दिया उनको श्रद्धांजलि। और ये आप जो मेरे पीछे देख रहे होंगे, इसमें नाम लिखे हुए हैं उन सैनिकों के जिन्होंने श्रद्धांजलि दी है, उत्तराखंड के उन सभी सैनिकों के नाम लिखे हुए हैं। तो गाइस, ये जो स्थल था बहुत ही अच्छा था, बहुत ही उनको एक श्रद्धांजलि के रूप में बनाया हुआ था। और ये पीछे उन्होंने पार्क बनाया था जहाँ बहुत सारी प्रतिमाएं बना रखी थी अलग अलग सैनिकों की, वहाँ पे नाम लिखे हुए थे उन लोगों के। तो भाई गाइस, ओवरऑल बहुत ही सुंदर था। एक बार मैं आपको इसका पूरा रिव्यू करा देती हूँ। और गाइस, यहाँ पे खड़ा था एक लड़ाकू विमान जिसका यूज एक वॉर में हुआ था, तो जिसको उन्होंने यहाँ पे दिखा रखा था। उसके बाद गाइस, इन्होंने एंट्री गेट पे ये तोप रखी हुई थी जिसका भी यूज इन्होंने एक वॉर में किया होगा। तो गाइस, ये ओवरऑल बहुत ही सुंदर था और एक श्रद्धांजलि के रूप में मुझे बहुत ही पसंद आया। इसके बाद हम बढ़ जाते हैं आगे। तो गाइस, अब हम निकल गए थे सहस्त्रधारा के लिए और हमें दिखा ये व्यू जो पहाड़ों में बादल बिल्कुल टच कर रहे थे। गाइस, इतना सुंदर था, मैंने अपनी लाइफ में पहली बार ऐसा व्यू देखा। मैं कभी पहाड़ों में नहीं गई, मतलब इतना सुंदर, बहुत ही अच्छा। तो गाइस, बारिश में ही हम लोग निकल गए थे और हम लोग जा रहे हैं सहस्त्रधारा की तरफ। और रास्ते हमने गाड़ी रोकी तो पीछे मेरे देखो पहाड़ बादल, और ये है पूरा व्यू। हल्की हल्की बारिश और हमें पहाड़ों में, बड़ा ही मजा आ रहा है। गाइज, यहाँ हम फाइनली पहुंच गए थे सहस्त्रधारा और हमने अपनी गाड़ी पार्क कर दी थी क्योंकि आगे गाड़ी ले जा नहीं सकते थे, ट्रैफिक बहुत ज़्यादा था और आगे कहीं पार्किंग की जगह भी नहीं थी। तो इसलिए हमने लगभग 1 किलोमीटर पहले ही अपनी गाड़ी पार्क कर दी और फिर हम वहाँ से पैदल गए। तो गाइज, ये था पूरा सहस्त्रधारा का व्यू। मतलब पहुँचते ही इतना सुंदर व्यू, मतलब अलग अलग जगह से झरने, बहुत सारे झरने निकल रहे थे, कोई छोटा कोई बड़ा, बड़ा ही सुंदर व्यू था। ये वाला आप देखो कितना बड़ा था और आगे छोटे छोटे तो बहुत सारे झरने थे। तो गाइस, फाइनली मैं भी उतर गई पानी में और क्योंकि हमें भी नहाना था।
सो गाइस जैसे ही मैं नहा के आई मैंने ले ली मैगी, क्योंकि मैंने बहुत अब तक सुना ही था कि पहाड़ों में मैगी खाने का अलग ही मजा है। तो सच में ये अलग एक्सपीरियंस था कि पहाड़ों में मैगी खाने का सच में अलग मजा है और बहुत ही अच्छा लगता है, एक बार तो एक्सपीरियंस करना ही चाहिए। तो गाइस बारिश में नहा लिए हैं और इसके बाद हमने कर लिए कपड़े चेंज। तो अब हम चाह रहे हैं घर की तरफ मतलब पार्किंग की तरफ। हमने अपनी गाड़ी पार्क की हुई है वहीं से गाड़ी लेके फिर हम जाएंगे ईजू के मामा जी के घर। तो गाइस यहाँ पे मिल गया था एक हमें स्टॉल जहाँ पे था कि आप बंदूक से जिस भी चीज़ को गिरा दोगे तो वो चीज़ आपकी। तो गाइस जीजू इस चीज़ के लिए बड़े एक्साइटेड थे और उन्होंने ले ली बंदूक और चलाने लगे। 5 शॉट दिए थे उन्होंने और हमसे सिर्फ एक ही माचिस गिरी, तो हमें सिर्फ एक बिस्किट ही मिल पाया, उसके अलावा कुछ नहीं मिल पाया। कि गाइस बहुत ही टफ होता है ये सब चीज़ें करना, सिर्फ एक बिस्किट लेके हम चल दिए वहाँ से। इस समय हम लोग बिल्कुल पहाड़ों के बीचों बीच हैं। तो गाइज यहाँ नहा धो के हम निकल गए थे घर वापस जाने के लिए, क्योंकि रास्ता काफी दूर था और हमें जाना था अंधेरा होने से पहले। गाइस बहुत ही सुंदर व्यू था इसलिए हमने सोचा एक बार रुक के व्यू ले लिया जाए। तो मैंने वही कर ली थी, पूरा 360 व्यू ले रही थी क्योंकि बड़ा ही सुंदर लग रहा था। और गाइस बाद में हम आगे चले तो गाइस ये एक व्यू था इतना सुंदर, मतलब ब्लू ब्लू स्काई दिख रहा था, वाइट बादल, इतना सुंदर लग रहा था, मतलब इतना सुंदर मजा ही आ गया देखने में। तो गाइस दीदी का बर्थडे था तो हमने घर पे ही केक मंगा लिया और बहुत सारे बच्चे हो रखे थे तो केक कटिंग घर पे ही किया, घर पे ही खाना पीना खा के हमने डन किया। तो गाइस इस व्लॉग के लिए इतना ही, कैसा लगा आपको मेरा व्लॉग कमेंट में बताएं, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ अपना ध्यान रखें। और जो भी नए हमारे इस चैनल से जुड़े हैं उस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।